हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडी टैग में स्वागत है। आज देखो, मैं आप लोग के लिए जो क्लास 9th का चैप्टर 3 चालू था, इसका भी प्रीवियस लेक्चर में दो वीडियो आप लोग को मैं बना दिया था। अभी आज जो हम लोग का है प्रैक्टिस सेट 3.1 का फर्स्ट लेक्चर है। तो देखो इसमें क्या है, कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 तक कराए हो और बाकी जो भी रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में होगा, बट आज के लिए जितना उतना आप देख लीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट में क्या दिया हम लोग को, स्टेट वेदर द गिवन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलीनोमियल्स और नॉट जस्टिफाई। हम लोग को बताना है कि जो क्वेश्चन दिया पॉलीनोमियल्स है कि नहीं है, तो किस लिए है उसका कारण भी देना हम लोग को। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वाई प्लस वन अपॉन वाई। आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि पॉलीनोमियल्स कैसे हम लोग पहचानते हैं। तो सबसे पहले उसका क्या होता है, कोई भी इक्वेशन दिया रहता है उसका जो पावर होता है, जो डिग्री होता है, वे क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। आपको मैं प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो अभी इसमें देखो हम लोग को क्या दिया, वाई प्लस वन अपॉन वाई, यही हमको बताना पॉलीनोमियल्स है कि नहीं। अभी ये क्या है, नॉट अ पॉलीनोमियल्स। क्यों नहीं है, क्योंकि वन अपॉन वाई जो है, तो वाई का इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, वाई इज इक्वल टू माइनस वन, तो इसका पावर कितना हो गया माइनस वन में। तो होल नंबर हमारा जीरो से चालू होता है पॉजिटिव की तरफ इंफिनाइट तक, बट हमारा किस में, माइनस में। तो द पावर इज ए नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव तो है नहीं, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, नॉट अ पॉलीनोमियल। अब इसे दूसरा क्या है, सेकंड वाला, टू माइनस फाइव रूट एक्स और नॉट ऑफ पॉलोनोमल्स, मीन्स ए भी हमारा क्या पॉलोनोमल्स नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका भी जो पावर है कितना, वन अपॉन टू है, तो द पावर इज ए नॉट एन इंटीजर्स, ये भी हमारा क्या है इंटीजर्स नहीं है। इंटीजर में क्या है, माइनस में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, चलेगा, बट ये क्या हमारा कुछ पॉइंट में आएगा, तो ये भी हमारा क्या पॉलीनोमियल्स नहीं है। थर्ड वाला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन। अभी इसमें देखोगे तो जो वेरिएबल है हमारा एक्स, उसका पावर कितना टू है, इस पे कितना वन है, इस पे कितना जीरो, तो मीन्स ए हमारा क्या है पॉलीनोमियल्स है, क्योंकि कोई भी देखोगे डिग्री सब क्या हमारा होल नंबर ही है, इसीलिए ये वाला थर्ड वाला हमारा क्या होगा पॉलीनोमियल्स होगा। ऐसे फोर्थ वाले में देखोगे माइनस टू है, तो ये भी हमारा नॉट पॉलीनोमियल्स है। और फिफ्थ वाले में देखोगे तो खाली नंबर है, तो मैं बताया था अगर खाली नंबर दिया रहता है उसका पावर कितना रहता है, जीरो रहता है। अगर खाली वेरिएबल दिया रहेगा तो आपका कितना रहता है, वन रहता है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट था वे पूरा क्या होता है, पांचों कंप्लीट हो जाता है। अब इसे कैसे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया, राइट द कोफिशियंट ऑफ एम का क्यू इन ईच ऑफ द गिवन जो पॉलीनोमियल्स, मीन्स हम लोग का जो भी इक्वेशन है उसमें का जो एम का क्यूब है, वेरिएबल ध्यान से सुन देखना, एम का जो भी क्यूब है उसका कोफिशियंट बताना है। मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में ये भी बताया था कोफिशियंट क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है और अपना इंडेक्स फॉर्म क्या होता है, कैसे हम लोग लिखते हैं, हर एक चीज आपको क्लियर बताया था। तो इसमें हम लोग को जो भी इक्वेशन दिया खाली उसका कोफिशियंट फॉर्म लिखना, बट किसका लिखना है, खाली एम के क्यूब का। तो अभी देखो फर्स्ट वाले में एम के क्यूब का क्या कोफिशियंट होगा, तो इसके सामने का क्या है, कितना नंबर है, कुछ नहीं है, मीन्स कितना है, वन है। तो देखो मैं शॉर्टकट में खाली लिखा कोफिशियंट कितना है, वन है। आप कोफिशियंट ना लिखे खाली इक्वल टू डाल के लिख दोगे तो भी चलेगा, या तो आप पूरा लिखोगे तो भी चलेगा। अभी सेकंड में क्या दिया, माइनस टू थ्री अपॉन टू प्लस एम माइनस रूट थ्री और एम का क्यूब दिया है, तो ये दिया है। तो अब इसमें हम लोग का कोफिशियंट क्या होगा, तो हम लोग को क्वेश्चन में ही बोला है हम लोग का जो एम का क्यूब है बस उसका कोफिशियंट बताना है। एम के क्यूब के सामने का कोफिशियंट कितना है, माइनस रूट थ्री है, तो लिख दिया। अब इसे हम लोग का थर्ड वाले में दिया माइनस टू अपॉन थ्री एम का क्यूब माइनस फाइव एम स्क्वायर प्लस सेवन एम माइनस वन। इसमें हमारा क्या एम का क्यूब का है, यहाँ पर उसके सामने का कोफिशियंट कितना, माइनस टू अपॉन थ्री। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो जाता है। इसे क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोलता है, राइट द पॉलीनोमियल्स इन एक्स यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन, मीन्स जो वेरिएबल यूज करना है हम लोग को, कौन सा यूज करना है, एक्स वेरिएबल यूज करके जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर लिखना है। मीन्स मोनोमियल्स हैविंग डिग्री सेवन, एक हम लोग को मोनोमियल्स बताना है। तो आपको मैं टाइप्स कितने पॉलीनोमियल्स के होते हैं और बेस्ड ऑन नंबर एंड बेस्ड ऑन डिग्री दोनों पे प्रीवियस लेक्चर में बता दिया। अगर अभी तक आप नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर इसके प्रीवियस वाला दो लेक्चर है दोनों को आप देख लोगे तो आपका जो प्रैक्टिस सेट 3.1 करने में बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो अभी देखो इसमें क्या, मोनोमियल्स हैविंग डिग्री सेवन, तो आपको पता है मोनोमियल्स में कितने नंबर्स होते हैं, एक ही होते हैं, तो अभी उसका डिग्री कितना लिख दिया, सेवन। तो ये हमारा हो गया मोनोमियल्स का। अभी इसे सेकंड वाला हम लोग का बायोनोमियल्स हैविंग डिग्री कितना है, 35, मीन्स उसका जो डिग्री है सबसे बड़ा कितना है, 35। तो हम लोग कुछ भी वेरिएबल कितना लेना है आपको, एक्स वेरिएबल, क्योंकि आपके क्वेश्चन में बोल दिया है कि आपको कौन सा वेरिएबल यूज करना है, एक्स वेरिएबल यूज करके जो भी कुछ भी बना दो, लेकिन सबसे बड़ा कितना होना चाहिए, 35। इधर आप कुछ भी ले सकते हो, कोई बात नहीं, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या लेना है। अभी इसे थर्ड वाला क्या बोला, ट्राइनोमियल्स हैविंग डिग्री 8, उसमें सबसे बड़ा डिग्री कितना होना,
होना चाहिए, 8 होना चाहिए। और आपको पता है ट्राइनोमियल्स में 3 टर्म्स होते हैं, 1, 2, 3। मोनोमियल्स में कितने होते हैं? 1 होते हैं। और बायनोमियल्स में कितने होते हैं? 2। देखो सब एकदम क्लियर आपको बता दिया, खाली आपको जो दिया है डिग्री में सबसे पहले उसको लेकर बाकी दो अपने से बना देना, इसमें एक बनाएंगे इसमें कुछ नहीं बनाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 3 भी एकदम सिंपल सा आपका क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया, राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। इसमें का हम लोग को डिग्री बताना है, तो डिग्री भी मैं आपको बताया था पहले, रूट फाइव है तो उसका डिग्री कितना होता है, तो रूट फाइव एक नंबर है तो उसका डिग्री कितना होगा, 0। अगर ये हम लोग का एक्स में दिया, सेकंड वाला है एक्स का पावर 0, तब दिया है तो हम लोग लिख देंगे डिग्री में 0। अभी इधर थर्ड वाले में क्या दिया, एक्स का पावर 2 मीन्स एक्स स्क्वायर दिया, तो इसका डिग्री कितना होगा, 2 होगा। अब देखो फोर्थ में 2m का पावर में 10 माइनस, तो इसका डिग्री कितना, 10। क्वेश्चन फिफ्थ में हम लोग को क्या दिया, 2p माइनस रूट 7। अभी देखो इधर नंबर था उसका डिग्री 0 आया था, बट यहाँ पर वेरिएबल है, वेरिएबल का डिग्री कितना होता है, 1 होता है, तो लिख दिया। अभी देखो इधर क्या दिए, ध्यान से देखना, एक्स वाई जेड, एक्स वाई माइनस जेड सब दिया, तो इसमें 3 वेरिएबल यूज हुआ, तो वेरिएबल पे कितना होता है, 1 होता है, तो 1, 2, 3 यहाँ पर डिग्री हो गया, ये तीनों में 3 डिग्री हो गया, ये दोनों में 2 डिग्री, यहाँ पर 1, तो सबसे बड़ा कितना ज्यादा हुआ, 3, तो डिग्री आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसे लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया, m का क्यूब, n का रूट पावर में 7 माइनस 3 m पावर में m 5 दिया, और n पे कितना दिया, 1 दिया है, और लास्ट में हम लोग का m n पे दोनों पे 1 है, क्योंकि 1 तो लिखता नहीं हुआ, आपको समझना पड़ता है। तो आप देखोगे यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 5 और 1 6 होगा, यहाँ पर 2, तो सबसे बड़ा कितना, 10 है, तो लिख दिया। अभी आप देखोगे 5 के बाद में डायरेक्ट 7 लिख दिया, तो 6 वाला भी एकदम सिंपल है, वे आप लोग अपने से कर लेना। बाकी देखो आज के लिए इतना ही, क्योंकि प्रैक्टिस सेट 3.1 में आप लोग को 9 क्वेश्चन है, जिसमें से 4 क्वेश्चन करा दिया, और ये देखो मैं डिटेल में पूरा लिख के इसके लिए बताता हूँ, क्योंकि हमारा जो भी है आपको क्लियर मैं समझा सकूं। अगर लिख के नहीं बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन लिखते जाऊंगा, अगर किसी के पास टेक्स्ट बुक नहीं रहेगा तो बराबर क्वेश्चन लिखने में टाइम जाएगा और बहुत लंबा वीडियो बनेगा। तो इसके लिए आज के लिए इतना ही, इसको कर लीजिए, बाकी जो भी रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का, और जो हमारा प्रैक्टिस सेट 3.1 है वह पूरा कंप्लीट करा दूंगा, तो इसको कर लीजिए।